मैं दीपा खुराना आपका स्वागत करती हूँ घर का खाना में। आज हम बनाएंगे पंचमेल दाल, इसे पंच रत्न और पंच कुटी दाल भी कहते हैं। तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या चाहिए। तूर की दाल, सफेद उड़द की दाल, येलो मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जीरा, हींग, हल्दी, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, घी और तेल। सबसे पहले हम दाल को वॉश कर लेंगे। बाउल लेंगे, तुअर की दाल लेंगे, सफेद उड़द की दाल लेंगे, मूंग की दाल लेंगे, मसूर की दाल लेंगे, चना दाल लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे। एक बार और पानी डालेंगे। हमने दाल को अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम दाल में पानी डालेंगे और इसे भिगोकर एक घंटे के लिए रख देंगे। दाल को भिगोए हुए एक घंटा हो चुका है, अब हम इसे बॉईल करेंगे। कुकर लेंगे, दाल को डालेंगे, पानी डाल देंगे, कुकर को बंद करेंगे, गैस ऑन करेंगे। अब हम 5 सीटी होने तक दाल को पकाएंगे। 5 सीटी हो चुकी है, अब हम गैस बंद करेंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, दाल हमारी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। एक चम्मच घी डालेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे, 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, मिक्स कर देंगे, मसाले डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, हरा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें दाल डालेंगे।
कर लेंगे। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे मीडियम आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुकी है, हमारी दाल तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस टर्न ऑफ करेंगे और दाल को सर्व करेंगे। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच घी डालेंगे। तो तैयार है हमारी पंचमेल दाल। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।